दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जनरल अवेयरनेस से, जो कि आरआरबी का एग्जामिनेशन में असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन या ग्रुप डी में आने की चांसेस है। तो इस क्वेश्चन में आपको मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा। तो एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने नोटपैड पे कोई भी क्वेश्चन जो भी बन रहा है वो नोट डाउन की करने की कोशिश करें। और हमारे चैनल पांडे गुरुजी को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली वीडियो रेलवे एग्जामिनेशन से रिलेटेड अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें। मैं अपने प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ यहाँ पे, सारे रीजनिंग का है, मैथ का है, जीके का है, जीएस का है। तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जनरल अवेयरनेस से, किस टाइप का क्वेश्चन रेलवे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेबस में ले जाते हैं। तो ये डी सेक्शन जो है, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, मीन जो भी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट अभी चल रहा है, मीन्स आपको करंट अफेयर पिछले 4 से 5 महीने का आपको याद रखना है। 80 से 90% तक क्वेश्चन 4 to 5 मंथ तक ही आता है। 10% क्वेश्चन जो आता है वो बिफोर 6 or 7 मंथ से पहले आता है। तो आप पिछले 4 से 5 महीने का क्वेश्चन जो भी आप करंट अफेयर में इजिली कर लेंगे तो आप करंट अफेयर का क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन को बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि मैं कमेंट मुझे आया था कि सर आप क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रखिए, ताकि दोनों स्टूडेंट को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आपको ऑप्शन बताऊँगा, उसके साथ एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। तो आपको बताऊँगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जा सकता है। सर जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं कि द 8 नेशनल वोटर्स डे वाट ऑब्जर्व अक्रॉस द कंट्री वन, मीन्स 8वां राष्ट्रीय मतदान दिवस देश भर में कब मनाया गया था। तो जो 8वां राष्ट्रीय मतदान दिवस जो देश भर में मनाया गया था वो 25 जनवरी को मनाया गया था। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट बन जाता है कि कब मनाया गया था, तो 25 जनवरी को मनाया गया था। और कहाँ पर मनाया गया था, वो जो मनाया गया था वो दिल्ली में मनाया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 8वां राष्ट्रीय मतदान दिवस देश भर में 25 जनवरी को कहाँ मनाया गया था, तो उसका एक आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में मनाया गया था। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 25 जनवरी को न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया था, उसका नंबर क्या है, तो 8वां है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को के साथ ऑप्शन को रीड कीजिए, तो आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली से सॉल्व कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट हैज अनाउंस कैपिटल इन्फ्यूजन इन 20 पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर द करेंट फिजिकल, द इन्फ्यूजन इज ऑफ, मींस सरकार ने 20 सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्र के बैंकों PSB में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में रुपये की पूंजी निवेश की घोषणा की। मीन्स RBI ने क्या किया कि बहुत सारे बैंकों को उसके 31 मार्च से पहले इस ईयर में कुछ अमाउंट देने की घोषणा की, निवेश करने की घोषणा की। वो कितना टोटल अमाउंट है, तो वो टोटल अमाउंट है 88,139 करोड़। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कितने बैंकों को घोषणा किए, तो कितने कौन 20 सार्वजनिक बैंकों को घोषणा की है। उसमें सबसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट ज़्यादा अमाउंट किसको मिल देने की घोषणा की है, वो है IDBI बैंक, और सेकंड के बाद किसको है, SBI बैंक। तो अमाउंट भी आ सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है कि RBI ने जो 88,139 करोड़ घोषणा की, उसमें IDBI बैंक को कितना अमाउंट देने की घोषणा की है, वो 10,610 करोड़, और SBI को 8,800 करोड़। तो आपको टॉप 2 आपको याद रखना है ताकि यहाँ पे क्वेश्चन बन सके। तो
तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनने की संभावना है कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के कर सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ऑन द इव्यू ऑफ द एशियन इंडियन कॉन्फेडरेशन समिट टू सेलिब्रेट 25 ईयर्स ऑफ इंडिया एशियन पार्टनरशिप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड सेपरेट बायलेटरल मीटिंग विथ लीडर्स ऑफ द एशियन नेशनल विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नन ऑफ देम। मीन्स आपको हिंदी में क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं कि भारत आसियाना साझेदारी के 20 वर्षों का जश्न मनाने के लिए एशियन भारत स्मारक शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 एशियाई देश के नेताओं के साथ पृथक द्विपक्षीय बैठक की थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश इनमें से नहीं है? वो आपको पूछ रहे हैं कि जो भी बैठक किया था वो भी देश कौन सा इसमें नहीं है, तो वो देश है इंडोनेशिया। तो आपको एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि ऑन द इवेंट ऑफ द एशियन इंडियन कमिटी समिटेड टू सेलिब्रेट 25 ईयर ऑफ इंडियन एशियन पार्टनरशिप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड सेपरेट बायलेटरल मीटिंग विद द लीडर ऑफ 3 एशियन नेशन, म्यांमार, वियतनाम एंड फिलिपीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो नरेंद्र मोदी ने किस किस कंट्री के साथ बायलेटरल मीटिंग की थी, तो वो है म्यांमार, वियतनाम एंड फिलिपीन। तो आपको तीन एक कंट्री का नाम याद रखना पड़ेगा और कहाँ पे की थी वो किया गया था न्यू दिल्ली में। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनने की संभावना है। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। इंडिया हैज मूव्ड ऑन द ग्लोबल इंडेक्स ऑफ टैलेंट कंपटीशन टू द पोजीशन इन द रिपोर्ट डेट वाज रिलीज इन द फर्स्ट डे ऑफ 48 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इज डेवोस स्विट्जरलैंड। हिंदी में आपको क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं कि स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक के पहले दिन जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रतिस्पर्धा के वैश्विक सूचकांक में अपनी स्थिति बेहतर करते हुए 81 स्थान पर गया है। तो इसका जो मेन आंसर है वो क्या है, सॉरी मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे मैं आंसर इंक्लूड कर दिया हूँ, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस स्थान पे गया हुआ है, तो ये गया हुआ 81 स्थान पे। इंडिया हैज मूव ऑन द ग्लोबल इंडेक्स ऑफ टैलेंट कम्पिटिटिव ऑफ 81 पोजिशन इन द रिपोर्ट डेट वॉज रिलीज इन द फर्स्ट डे ऑफ द 48 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि 81वें स्थान पे गया है वो कब कहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था, वो क्या है, तो वह है 48 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एनुअल मीटिंग इन कहाँ पे हुआ था, डेवोस न्यूजीलैंड में। जो स्विट्जरलैंड क्या है इसका टॉप मोस्ट लिस्ट में नंबर वन पोजिशन पे कौन है, वो स्विट्जरलैंड है। तो दोस्तों करंट अफेयर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि कुछ रिसेंटली हैपन होता है, तो इसमें जो भी जब भी रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि उसके फर्स्ट रैंक कौन है उसको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या स्विट्जरलैंड है और वो कहाँ पे हुआ था, वो क्या होता है, डेवोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया अमंग 180 कंट्री इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है अकॉर्डिंग टू ए बेनियल रिपोर्ट ऑफ द आईएलए एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच के साथ एल एन कोलंबिया विश्वविद्यालय की द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2018 में 180 देशों के बीच भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत की जो रैंकिंग है वो है 177th। इंडिया रैंक 177th एवं 180 कंट्री इन द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द आले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया रैंक 141 इन 2006 रिपोर्ट। द रिपोर्ट वॉज लीड इन द साइडलाइन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज डेवोस स्विट्जरलैंड एंड स्विट्जरलैंड लीड द लिस्ट फॉलोड बाय फ्रांस, डेनमार्क एंड माल्टा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 180 देश को लिंक हुआ है, रैंक है, तो उसमें कितने देशों के बीच 177 रैंक है, तो आपको वो रखना पड़ेगा याद, 180 के कंट्री के बीच में इंडिया का रैंकिंग है, 177 है। तो इस टाइप का उसमें क्वेश्चन भी एक और आ सकता है कि 177 है वो कौन परफॉर्म किया है, तो जो रिपोर्ट कौन जनरेट किया है, तो रिपोर्ट जो प्रोवाइड किया गया है वो आइलैंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो एल एन कोलंबिया विश्वविद्यालय का द्वारा रिपोर्ट दिया गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनने की संभावना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द MoU वॉज साइन बिटवीन नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHIDLC एंड ILFS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जोलिया टनल इन। हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम के बीच सड़क परिवहन और राज मंत्रालय तथा ML के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड के बीच में जो में जोजिला सुरंग क्रांत के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो कहाँ पे हुआ है, वो जम्मू कश्मीर में। तो MoU बेसिकली जो होता है वो एक एग्रीमेंट एग्रीमेंट होता है जो कोई भी चीज़ के लिए दो कंट्री के बीच में, दो स्टेट के बीच में या दो निगम के बीच में साइन किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं MoU। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि उसका जो डिस्टेंस कितना है, और डिस्टेंस है वो 14.15 किलोमीटर लॉन्ग टू लैंड बाय नेशनल जोलिया टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जोलिया टनल कहाँ पे है, वो है जम्मू एंड कश्मीर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन NISC हैज रिसेंटली साइन एंड MoU विथ SME कॉरपोरेशन विथ विच कंट्री फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने दोनों देशों में SME के विकास में सहायक हेतु किस देश के SME निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, वो है डी मलेशिया। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन साइन ए MoU विथ SME कॉरपोरेशन मलेशिया फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉपरेशन इन एरिया सच एज द पॉलिसी और टू एड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इन द टू कंट्री। मीन्स बेसिकली जो MoU साइन किया गया है इंडिया और मलेशिया के बीच में जो डेवलपमेंट के पर्पज से स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक बेसिकली MoU साइन किया गया है। वोडाफोन इंडिया हैज पार्टनर विथ ई कॉमर्स मार्केट प्लेस टू प्रोवाइड ए रेंज ऑफ एंट्री लेवल स्मार्टफोन एट ए इफेक्टिव प्राइस ऑफ RS 1990। प्रवेश स्तरीय स्मार्टफोन को 999 रुपये के प्रभावी मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए वोडाफोन इंडिया ने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से भागीदारी की है। तो किससे वो टाइप हुआ है तो आपको करना है, तो ये टाइप हुआ है वो फ्लिपकार्ट से वोडाफोन ने किया है। वोडाफोन इंडिया इज पार्टनर विथ ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट टू प्रोवाइड ए रेंज ऑफ एंट्री लेवल स्मार्टफोन। मीन्स आपको 99 हंड्रेड मीन 1000 रुपीज़ में स्मार्टफोन प्रोवाइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो वोडाफोन और फ्लिपकार्ट के बीच में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वोडाफोन और फ्लिपकार्ट के बीच में जो साइन किया हुआ है प्रोवाइड करने के लिए स्मार्टफोन, उसका प्राइस कितना है, तो प्राइस है 999। तो ये बेसिकली रिसेंट इवेंट है, तो ये क्वेश्चन में आने की संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम ऑफ द कंट्री डेट हैज टॉप द ग्लोबल इंडेक्स ऑफ टैलेंट कंपटीशन डेट वाज रेज इन द फर्स्ट डे ऑफ द 48 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग। उस देश का नाम बताइए जो प्रतिभा प्रतिपस्थ के वैश्विक सूचना में शीर्ष स्थान पर है, या पहली बार 48वें 48वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक पे जारी किया गया था, वो है स्विट्जरलैंड। इंडिया हैज मूव ऑन द ग्लोबल इंडेक्स ऑफ टैलेंट कंपटीशन ऑन द 81 पोजिशन इन द रिपोर्ट डेट वॉज रिलीज इन द फर्स्ट डे ऑफ द 48 वर्क इकोनॉमिक फोरम एनुअल रिपोर्ट। न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड इज टॉप ऑन द लिस्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ द
वियटनेम। तो वियटनेम क्या है कि यहाँ पे टॉप थ्री लिस्ट में है, तो आपको इसका कैपिटल पूछा जा रहा है, तो उसका कैपिटल है हनोई। तो बेसिकली जिस जो भी कंट्री कोई भी हाईलाइटेड रहता है, तो क्योंकि जो भी कंट्री हाईलाइटेड है उसका नाम आ रहा है, तो उस टाइप के कंट्री को आपको उसके कैपिटल को याद रखना ज़रूरी है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व करें। तो कुछ कैपिटल को कंट्री के कैपिटल को आप रट लीजिए, ताकि क्योंकि कैपिटल और उसके करेंसी दो क्वेश्चन कंट्री के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल बटन पर प्रेस जरूर करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।